नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। मान्यता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां अपनी ही औलाद ने पिता की रोज रोज की डांट फटकार से परेशान होकर दो पुत्रों ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस ने घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्यारे दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित और भरत सिंह ने घरेलू विवाद के चलते अपने पिता पर धारदार हथियार से वार किया, उसके बाद शव को सड़क किनारे पटक गए। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसके बाद समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे ही बाप के कातिल निकलेंगे। सड़क किनारे आरएसी जवान का शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और जयसिंहपुरा खौर थाना पुलिस ने आरएसी जवान की मौत का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पिता की रोज रोज की डांट फटकार और टॉर्चर से परेशान होकर बेटों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पिता की हत्या करने के मामले में दोनों बेटों को गिरफ्तार कर किया है। आरोपी अंकित और भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जम्वा रामगढ़ में पालेड़ा मोड़ के पास सड़क किनारे आरएसी जवान अमर सिंह का शव बरामद हुआ था। एसीपी आमिर आदित्य पुनिया के मुताबिक सुबह सूचना मिली थी कि जयसिंहपुरा खौर थाना इलाके में जम्वा रामगढ़ तहसील के पालेड़ा मोड़ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही जयसिंहपुरा खौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। FSL टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की पहचान अमर सिंह के रूप में हुई। मृतक जम्वा रामगढ़ में चैनपुरा स्थित आरएसी चतुर्थ बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के भाई विजय सिंह की ओर से थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। धारदार हथियार से शरीर पर वार किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अमर आदित्य पुनिया, एसएचओ जयसिंहपुरा खोर उदयभान यादव, एसएचओ ब्रह्मपुरी थाना राजेंद्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने करीब 10 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करके मृतक अमर सिंह के हत्यारे दोनों पुत्र अंकित और भरत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक अमर सिंह की ओर से घरेलू विवाद और झगड़े किए जाते थे। साथ ही आरोपियों ने अपनी मां को प्रताड़ित करने की बात को लेकर अपने पिता की हत्या करना बताया है। हत्या के बाद समूचे क्षेत्र में हत्यारे बेटों को लेकर आक्रोश है। अंकित और भरत ने पिता की हत्या करने की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि उनके पिता अमर सिंह शराब पीने के आदि हैं। नशे में धुत होकर घर आने के बाद वे रोजाना झगड़ा और गाली गलौज करते थे, मां के साथ मारपीट और अत्याचार करते थे। अमर सिंह ने शराब के नशे में झगड़ा किया और पत्नी के साथ मारपीट की थी। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर दोनों बेटों ने लोहे की रोड और सरियों से हमला कर दिया। करीब आधे घंटे में दोनों बेटों ने पिता पर 50 से ज़्यादा वार किया। इससे अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के 2 घंटे बाद रात करीब 1 बजे अंकित और भरत ने पिता के शव को सुनसान स्थान पर फेंका। वे बाइक पर शव को रख कर ले गए और झाड़ियों में पटक कर वापस घर आ गए। बाद में उन्होंने सबूत मिटाने के लिए घर की सफाई की, जहां खून बिखरा हुआ था उस स्थान को धो दिया। सुबह करीब 5 बजे दोनों बेटों ने अपने चाचा को घटना की जानकारी दी। सुबह करीब 7 बजे जब स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। लोगों ने झाड़ियों में जाकर देखा तो लहूलुहान हालत में शव पड़ा हुआ था।